नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। लोकसभा चुनाव में आने में अभी कुछ समय रह गया है, लेकिन केंद्र सरकार अपने तोहफों और योजनाओं का पिटारा ऐसे खोल रही है जैसे लोकसभा चुनाव कल ही हो। पहले सवर्णों को 10% आरक्षण, फिर उड़ीसा में 1500 करोड़ रुपए की सौगात, और अब एक और नई योजना। जी हां, इंजीनियरिंग कॉलेज सहित देश भर के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत बढ़ा हुआ वेतन देने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसे लेकर 1241 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए। तकनीकी शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की यह मांग काफी समय से लंबित थी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी, साथ ही बताया कि इसका सीधा लाभ सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले करीब 29,264 शिक्षकों को मिलेगा। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दायरे में आने वाले निजी संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। तकनीकी शिक्षण संस्थानों के गैर अकेडमिक स्टाफ को सरकार ने पहले ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लाभ देने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि कुछ राज्य अपने यहां 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही लागू कर चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र ने भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर 21,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इस फैसले से तकरीबन राज्य के 17 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही यूपी सरकार ने भी राजधानी लखनऊ के नगर निगम कर्मचारियों को तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 2019 के पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को उनकी पेंशन को प्रशासन ने लगभग 3 गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। दरअसल इन सेवानिवृत्त कर्मियों को अब 7वां वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन मिल सकेगी। बता दें कि पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लगभग 3500 रुपए पेंशन के तौर पर मिल रहे थे, जबकि 7वां वेतन आयोग के तहत अगर पेंशन दिए जाने के निर्णय के बाद इन कर्मचारियों को 9,000 रुपए पेंशन मिल सकेंगे। देखते हैं कि आने वाले चुनाव में मोदी सरकार के इस कदम का उन्हें कितना फायदा मिलता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।